સિટીલાઇટના અગ્રસેન ભવન ખાતે અગ્રવાલ વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત અગ્રસેન મહિલા શાખા દ્વારા ગણગોર કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું. અગ્રવાલ વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત અગ્રસેન મહિલા શાખા દ્વારા સિટીલાઇટ ખાતે આવેલ અગ્રસેન ભવનમાં ગણગોર કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરાયું, જેમાં મહિલા શાખાના અધ્યક્ષ રેણુ ગુપ્તા અને સુનિતા જાલનએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રોગ્રામમાં રાધાકૃષ્ણ સાથે હોળી રમવાની સાથે ગણગોર અને ગોર બંદોરા, ડ્રામા, ડાન્સ, ઘૂમર સહિતની સ્પર્ધાઓ સાથે ધમાલ મસ્તી કરાઈ હતી. અગ્રવાલ વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત અગ્રસેન મહિલા શાખા દ્વારા યોજાયેલ ગણગોર કાર્યક્રમમાં સુષ્મા, સોનિયા, પ્રીતિ, પિંકી સહિત તમામે સાથ સહકાર આપી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. आज का हमारा गणगौर का प्रोग्राम है जो हमारा हर वर्ष महिला शाखा द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य हमारे हम जो गणगौर त्यौहार मनाते हैं उसका पूरा यहाँ पे हम पूरा नए तरीके से हर बार कुछ ना कुछ नया करके लोगों का इंजॉयमेंट करते हैं और हमारे त्यौहारों के प्रति लोगों की रुचि बराबर बनी रहे इसलिए हम ये कोशिश करते हैं. आज 700 महिलाएं उपस्थित हैं और अभी और 200 आने की उम्मीद है. हमारी हजार मेंबर की महिला शाखा है तो इस प्रोग्राम में कम से कम 800-900 महिलाएं आती है हर वर्ष. और संस्कृति के जतन के हिसाब से जो हमारे संस्कृत की चीज़ें हैं पुराने ज़माने की, गणगौर है, दिवाली है, दशहरा है, ऐसे प्रोग्राम हम करके लेडीज़ लोगों को उसका महत्व बताते हैं और लेडीज़ लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना सिखाते हैं. नई पीढ़ी की बच्चियाँ भी, नई नई शादी हुई लड़कियाँ, ये शिव पार्वती का सुहागन रहने के लिए लड़कियों का त्यौहार मनाया जाता है. ये हर सुहागन लेडी इस त्यौहार को मनाती है तो हम ये हमारे संस्कृति के जतन के हिसाब से समाज में प्रोग्राम करते हैं. और इसमें जो मेरा नाम प्रेमा गुप्ता है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ. आज हमारा ईश्वर जी गणगौर का प्रोग्राम है. अखंड सौभाग्य देने वाली गणगौर माता सबको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है. और ये गणगौर आज नहीं, बहुत पुराने, वैसे तो इनका पार्वती का रूप है. 16 दिन गणगौर पूज के कुंवारी छोरियाँ सब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेती है. वही उत्सव हमारा ये समाज में चलता आया है.